तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो अगर इसमें देखोगे तो एक, अब हम लोगों को एक वेव दिया हुआ है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन इस टाइप के आप किए होंगे कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब इसका मॉड्यूलेशन होना है, ठीक है। तो इसका मॉड्यूलेशन होना है तो ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है, समझ रहे ना, आप पढ़े होगे। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल AM इज इक्वल टू 1, ठीक है। और कैरियर वेव, कैरियर वेव मतलब वह वेव जो मॉड्यूलेशन इसकी करेगी, और उसका इक्वेशन ये है। तो इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव को मैं AC से डिनोट करता हूँ, उसका एम्पलीट्यूड 2 है, समझ में आया। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, तो अगर आप पढ़े होगे तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स MI, जिसको हम मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं, तो इट इज़ बेसिकली द रेशियो है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, तो ये मॉड्यूलेटिंग वेव, और डिवाइडेड बाई द एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, ठीक है। तो ये वाली द रेशियो ऑफ द कैरियर, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स MI इज इक्वल टू बेसिकली द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव और एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड स्क्वायर वेव फॉर्म से, और कैरियर वेव का 1, तो ये आ जाएगा 0.5। तो ये बहुत ही सस्ता सवाल है, बहुत ही आसान सवाल था, मतलब डी ऑप्शन अपना सही है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।